हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास एट की हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर फिफ्थ द समिट विद इन करेंगे बिफोर यू रीड मेजर एच पी एस अहलूवालिया वाज अ मेंबर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965 हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड लेट लेटस्ट हेयर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन मेजर एच पी एस आहलूवालिया सन उन्नीस में प्रथम सफल भारतीय माउंट एवरेस्ट अभियान के एक सदस्य थे जब वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े थे तब उन्होंने कैसे महसूस किया आइए उनकी कहानी उन्हीं की जबानी से सुनते हैं ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्ज ऑफ पेनोरामा बिलोअर्स द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी the physical in me seemed to say thank god it's all over however instead of being jubilant there was a tinge of sadness was it because i had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads hereafter would le lead down उन सभी भावनाओं में से जो मेरे अंदर गहराई तक उठी थी जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और अपने नीचे मीलों तक फैला विहंगम दृश्य देख रहा था उनमें विनम्रता सबसे शक्तिशाली थी मेरे अंदर की शक्ति मुझे कहती हुई प्रतीत होती थी हे भगवान तुम्हारा बहुत धन्यवाद यह सब पूरा हो गया है बेशक बहुत खुश होने की बजाय उदासी का एक अंश भी उसमें शामिल था क्या वह इसलिए था कि मैं उस अंतिम चोटी तक चढ़ चुका था और इससे ऊपर चढ़ने को और कुछ बचा ही नहीं था इसके पश्चात सभी रास्ते नीचे की ओर ही जाने थे बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेम्ड बाय ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस इट इज अच लास्ट लाइफ टाइम द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्पलीटली द मैन हू हैज बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हुए आप अपने अंदर खुशी तथा आभार का एक गहरा भाव महसूस करते हैं यह वह खुशी होती है जो पूरे जीवन भर बनी रहती है यह अनुभव आपको पूरी तरह बदल देता है वह व्यक्ति जो पर्वतों में जा चुका है वह पुनः वैसा नहीं रह पाता एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट द समिट ऑफ द माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजर टू क्लाइम। एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद जब मैं जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं तो शिखर अर्थात मानसिकता का शिखर के बारे में चर्चा किए बिना रह नहीं पाता जो बहुत चुनौतीपूर्ण है तथा जिस पर चलना आसान भी नहीं है इवन वैन गेटिंग डाउन फ्रॉम समिट वंस द फिजिकल हैड गॉन आई बिगेन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन आई हैड एवरेस्ट वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच है होल ऑन माई इमेजिनेशन इट वॉज ऑलरेडी ए थिंग ऑफ द पास समथिंग डन यस्टरडे विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन वाट वुड रिमेन वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे चोटी पर से नीचे उतरने के पश्चात भी जब एक बार शारीरिक थकान खत्म हुई मैं अपने आप से प्रश्न करता था कि मैं एवरेस्ट पर ही क्यों चढ़ा चोटी पर पहुँचने के कार्य ने मेरी कल्पना को इतनी पकड़ क्यों बना ली थी यह अब भूतकाल की बात हो गई थी ऐसा कुछ भी जो बीते कल की बात हो हर गुजरते हुए दिन के साथ में इसे दूर होता जाऊंगा और तब क्या शेष रहेगा क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली हो जाएगी ऑल दीज था लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपुल क्लाइम माउंटेन्स इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर्स हैव सेड बिकॉज इट इज देयर इट प्रजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स The obstacles in climbing a mountain are physical a climb to a summit means endurance persistence and will power the demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating as it was for me also ऐसे ही समस्त विचार मुझे स्वयं से प्रश्न करने को प्रेरित करते हैं कि लोग पहाड़ों पर ही क्यों चढ़ते हैं इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है सबसे आसान उत्तर होना चाहिए जैसा कि दूसरे लोग भी बताते हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है यह कठ कठिनाइयाँ उपस्थित करता है मनुष्य बाधाओं पर विजय प्राप्त करने में खुशी महसूस करता है पर्वतों पर चढ़ने में मुश्किलें शारीरिक है किसी चोटी पर चढ़ने का अर्थ है निरंतरता हट तथा इच्छा शक्ति इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन निस्संदेह अत्यंत उत्साहपूर्वक है जैसा कि यह मेरे लिए भी था आई हैव ए मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम माई In आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स आई best. Their ब्यूटी एंड मजेस्टी pose a ग्रेट चैलेंज एंड लाइक मैनी आई बिलीव डैट माउंटेन्स आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड इस प्रश्न का मेरे पास एक अधिक व्यक्तिगत उत्तर है बचपन से ही मैं पर्वतों की ओर उन्मुख रहा हूँ मैं जब पर्वतों से दूर समतल मैदानों पर होता था तो दुखी खोया खोया सा रहता था प्रगति में पर्वत निस्संदेह सरोपरि है उनका सौंदर्य और शान एक चुनौती लग देते हुए लगते हैं और बहुत से लोगों की तरह मैं भी यह विश्वास करता हूँ कि पर्वत ईश्वर से मिलने का साधन है वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स वाई एवरेस्ट बिकॉज इट इज द हाइएस्ट द माइटिएस्ट एंड एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटैम्प्ट It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. Once taken up, it cannot be given up halfway, even when one's life is at stake. The passage back is as difficult as the passage onwards. And then, when the summit is climbed, there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of the battle fought and won. There is a feeling of victory and of happiness. एक बार ऐसा मान लेने पर प्रश्न उठता है एवरेस्ट ही क्यों क्योंकि यह सबसे ऊंचा है सबसे शक्तिशाली है और उसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल किया है यह व्यक्ति की ऊर्जा की अंतिम रत्ती भी निचोड़ लेता है यह चट्टान तथा बर्फ के साथ क्रूर संघर्ष होता है एक बार शुरू करने के बाद इसे आधे रास्ते में छोड़ा नहीं जा सकता भले ही आपका जीवन दाव पर लगा हो वापस जाने का मार्ग उतना ही मुश्किल है जितना आगे बढ़ने का और जब चोटी को जीत लिया जाता है तब उषा जागृत हो जाता है कुछ कर लेने की खुशियाँ मिलती है लड़ाई के लड़ने तथा उसे जीतने की अनुभूति होती है जीत और खुशी का एहसास होता है ग्लिम्सिंग ए पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड आई एक्सपीरियंस ए चेंज विद इन माई सेल्फ विच कैन ओनली बी कॉल मिस्टिकल बाई इट्स ब्यूटी अलूफनेस माइट, रगिडनेस एंड द डिफिकल्टीज इनकाउंटेड ऑन द वे पीक ड्रॉज मी टू इट एज एवरेस्ट डिड इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट दूर स्थित किसी चोटी की झलक पाते हुए मैं एक दूसरे संसार में खो गया मैंने अपने अंदर एक परिवर्तन सा अनुभव किया जिसे केवल आध्यात्मिक कहा जा सकता है इसकी सुंदरता एकांक शक्ति विषमता तथा तो इसके रास्ते में पड़ने वाली मुश्किलें चोटी मुझे इस ओर खींचती है जैसा कि एवरेस्ट ने किया ये एक चुनौती है जिसका प्रतिरोध करना मुश्किल होता है लुकिंग बैक आई फाइंड डेट आई हैव नॉट यट फुली एक्सप्लेन वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन वाई यू ब्रेद why do you help your neighbor why do you want to do good acts there is no final answer possible and then there is the fact that everest is not just a physical climb the man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe यदि अतीत को देखा जाए तो मैंने पूरी द, पूर्ण रूप से यह अभी पूरी तरह नहीं बताया कि मैं एवरेस्ट क्यों चढ़ा यह उस प्रश्न का उत्तर देने जैसा है कि आप सांस क्यों लेते हैं आप अपने पड़ोसी की सहायता क्यों करते हैं आप अच्छे कार्य करना क्यों चाहते हैं कोई भी निश्चित उत्तर संभव नहीं है यह तब भी सत्य है कि एवरेस्ट केवल चढ़ाई मात्र नहीं है वह व्यक्ति जो पर्वत के शिखर पर चढ़ा हो वह कभी वैसा नहीं रह सकता वह पर्वतों से बहुत कुछ प्राप्त करता है वह विशाल संसार में अपनी लघुता से विशेष रूप में परिचित हो जाता है द तो फिजिकल Conquest of mountain is only one part of the ऑफ माउंटेन इज more वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट is इज मोर टू इट of दैट इट इज फॉलोड satisfaction of a ऑफ urge to इज above ऑफ surroundings डीप अर्ज टू राइज love for adventure in man the experience is not merely physical इट इज emotional it is spiritual किसी पर्वत पर भौतिक विजय प्राप्त लेना किसी उपलब्धि का एक अंश मात्र है इससे अतिरिक्त और भी अधिक है इसके पश्चात पूर्णता का बोध होता है एक अपने आसपास से ऊंचा उठने की गहरी इच्छा की संतुष्टि होती है यह व्यक्ति में साहसिक कार्य करने का शाश्वत प्रेम है यह अनुभव केवल भौतिक नहीं है यह भावनात्मक है और यह आध्यात्मिक है कंसिडर ए टिपिकल क्लाइंब टुअर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स यू आर शेयरिंग ए रोप विद अनदर क्लाइंबर यू फर्म इन यू कर्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस देन ही विल बिलेज यू एन इंच योर वे अप द क्लाइंब इज ग्रीम you strain every nerve as you take uh, every step. famous climbers have left records of the g hell given by others. they have also recorded how they needed just that help. as they might have given up, breathing is difficult. you curse yourself for having let yourself in for this. you wonder why you have ever undertook the uh, ascent. there are moments when you feel like going back it would be sheer relief to go down instead of up but almost at once you snap out of the mood there is something in you that does not let you give up the struggle and you go on your companion keeps you keeps up with you just another 50 feet or a hundred maybe you ask yourself is there no end you look at your companion and he looks at you you draw inspiration from each other and then without first being aware of it you are at the summit एक सीधी चढ़ाई की कल्पना करो शिखर की और अंतिम चढ़ाई के दौरान आप किसी दूसरे पर्वतारोही के साथ रस्सी के भागीदार हैं आप स्वयं में दृढ़ हैं वह कठोर बर्फ में रास्ता बनाता है तब वह रस्सी बांधता है और तुम कदम कदम ऊपर चढ़ते जाते हो चढ़ाई विकट है आप हर कदम पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हो प्रसिद्ध पर्वतारोही ने दूसरों की मदद से पिछले रिकॉर्ड पीछे छोड़े हैं उन्होंने इस सहायता को किस प्रकार प्राप्त किया उन्होंने वह भी रिकॉर्ड किया है उनको सहायता कैसे दी गई होगी सांस लेना मुश्किल होता है आप अपने आप को कोसते हैं कि क्यों चढ़ाई का कार्य करने के लिए तैयार हो गए आपको आश्चर्य होता है कि आपने चढ़ाई करना क्यों स्वीकार, स्वीकारा कुछ ऐसे भी क्षण हैं जब आप वापस लौटने की सोचते हैं ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने की कल्पना आराम देती होगी परंतु जल्दी ही आप इस विचार से बाहर आ जाते हैं आपके अंदर में आपको को कोई आपको संघर्ष न छोड़ने की प्रेरणा देता है और आप बढ़ते चले जाते हैं आपके साथी आपके साथ होते हैं और केवल पचास फुट और शायद हो सकता है कोई सौ फुट शेष हो आप अपने आप से पूछते हैं क्या इसका कोई अंत नहीं आप अपने साथी को देखते हैं वह आपको देखता है आप एक दूसरे से प्रेरणा प्राप्त करते हैं और तब बिना एक दूसरे की जानकारी के आप चोटी पर आ खड़े होते हैं लुकिंग अराउंड फ्रॉम समिट यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल्ड अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक ए ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट बिलो यू सी वास्ट वैली स्लोपिंग इन टू द डिस्टेंस इट इज एन एनाबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You यू down and make your obeisance to whichever god you worship. योर वर्सिंग चोटी पर खड़े होकर इधर उधर देखते हुए आप अपने आप को बताते हो कि यह चढ़ाई सही थी अन्य चांदी के सामान सफ़ेद चोटियां बादलों में दिखाई देती है यदि आप खुशकिस्मत हैं तो सूरज उन पर हो सकता है आसपास की चोटियां जवाहरात जा, जड़ी माला की भांति आपको शिखर के इर्द गिर्द दिखाई देती है नीचे आप घनी घाटियाँ देखते हैं जो दूर तक नीचे फैली हुई दिखती है एक पर्वत शिखर से नीचे घाटी में देखना प्रतिष्ठित सुशोभित अनुभव होता है जिस भी ईश्वर में आपका विश्वास होता है आप उसके समक्ष झुकते हैं और उसकी पूजा करते हैं आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट ए पिक्चर ऑफ गुरु नानक रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा फूदर्जी लेफ्ट रेलिक ऑफ द बुद्धा एडमंडर इन द स्नो दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्ट बट ऑफ रेवरेंस मैंने एवरेस्ट पर्वत पर गुरु नानक का एक चित्र छोड़ा था रावत ने भगवती दुर्गा का चित्र छोड़ा था फू दौरजी ने बुद्ध का चिन्ह छोड़ दिया एडमंड हिलेरी ने समाधि पत्थरों और चट्टानों का ढेर में क्रॉस चिन्ह को दफना दिया था ये सब विजय चिन्ह ही नहीं, नहीं है बल्कि एक सम्मान के प्रतीक हैं द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली देर इज अनदर समिट इट इज विद इन योर सेल्फ इट इज इन योर ओन माइंड ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक ही मस्ट क्लाइम इट टू टू रीच टू ए फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ इट इज फ्यरफुल एंड अनस्केलेबल इट कैनॉट बी क्लाइम्ड By anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the mountain, summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same. Whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual, the climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. चोटी पर चढ़ने का अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है एक और चोटी भी है यह आपके अंदर है वह तुम्हारे अपने मन में है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसका अपना एक शिखर होता है उसे अपने पूरे ज्ञान से ही उस पर चढ़ना चाहिए यह दुर्गम और अलंगनीय है इस पर चढ़ाई किसी दूसरे द्वारा नहीं की जा सकती तुम्हें खुद ही इस पर चढ़ना है किसी बाहर के पर्वत के शिखर पर भौतिक रूप से चढ़ना अपने भीतरी पर्वत शिखर पर चढ़ने के समान है दोनों चढ़ाइयों के परिणाम समान हैं भले ही वह पर्वत जिस पर आप चढ़ रहे हैं भौतिक या भावनात्मक हो और आध्यात्मिक हो वह चढ़ाई तुम्हें निश्चित रूप से बदल डालेगी यह तुम्हें विश्व के प्रति तथा अपने स्वयं के प्रति बहुत कुछ सिखाती है आई वेंचे टू थिंक डैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइव ऑडियेटली क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज ए वर्थ वाइल्ड एक्सपीरियंस द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली worthwhile the internal summits are perhaps higher than Everest. मैं ये सोचने का साहस कर रहा हूँ कि एवरेस्ट विजेता के मेरे अनुभव से मुझे जीवन की परीक्षाओं का दृढ़ता से सामना करने की प्रेरणा मिली पर्वत पर चढ़ना एक बेहतर अनुभव है अपने अंदर की चोटी पर विजय पाना भी समान रूप से बेहतर होता है आंतरिक चोटियाँ संभवतः एवरेस्ट से भी ऊंची होती है आशा है आपको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए थैंक यू